हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को। मैं दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है जन आंदोलन का उदय। उसी का दोस्तों आज की सीरियो में हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि दोस्तों पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग आपका सभी चीजों को कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि चिपको आंदोलन के बारे में, दल आधारित आंदोलन के बारे में, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन यानी कि राजनीतिक दल से स्वतंत्र मतलब कोई भी राजनीतिक दल का प्रभाव ना हो, दलित पैंथर्स के बारे में और भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और आपका तारी विरोधी आंदोलन के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज की सीरियो में दोस्तों हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और आंदोलन से सबक क्या मिलता है उसी चीजों को दोस्तों आज की शुरू में देखेंगे, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आपको इस चैप्टर में इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं प्लीज उसको जाकर के पहले देखेंगे, उसका लिंक जो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। चलिए आज की सीरियो में दोस्तों कम से कम आपको एक पॉइंट जरूर देखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में और चिपको आंदोलन के बारे में, हिंद और तारी विरोधी आंदोलन के बारे में, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज जो है दोस्तों हम लोग करने वाले हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। सबसे पहले समझते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। देखिए 8वें दशक की शुरुआत में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े और 145 मोजले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तो चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि कब, 8वें दशक के शुरुआत में, ठीक है। भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी जहां पर है विकास परियोजना यानी कि एक प्रकार का प्लानिंग किया गया डेवलप करने के लिए, जिसके तहत एक आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया, इन सभी से जो गुजरने वाली जो नर्मदा नदी है और उसके जो सहायक नदी है यानी जो अगल बगल नदी है उसमें जो है 30 बड़े 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध जो है बनाने का प्रस्ताव को रखा गया। गुजरात के सरकार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। अब मैंने आपको बहुउद्देशीय के बारे में थोड़ा बताया था, देख लीजिए आप लोग, नदी बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। बीबीआई आपका ये, क्योंकि बार बार ये वर्ड अभी आपका रिपीट होगा, नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है, इसे कहते हैं बहुउद्देश्य। यानी कि ऊर्जा हो गया, सिंचाई हो गया, पर्यटन हो गया और स्थलों की सुविधाएं हो गया, ये सभी चीजों का एक प्रकार के बोल सकते हैं कि क्या की जाती है दोस्तों, प्राप्त की जाती है, सुविधाएं प्राप्त की जाती है, इसी को जो है बोल सकते हैं बहुउद्देश्य, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे तो गुजरात के सरदार सरोवर कहां पर, गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर। तो गुजरात में टोटल आप गुजरात में जो आपका हो गया सरदार सरोवर और वहीं पे मध्य प्रदेश में आपका नर्मदा सागर, इस दोनों बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। यह आंदोलन बांध के निर्माण का विरोध किया, ठीक है। तो जो बांध बन रही थी वहां पर उसी का विरोध कर रहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ ने कि नर्मदा नदी को बचाने के लिए एक गठन किया गया, एक प्रकार का नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लाभ के बारे में, फिर देखेंगे विरोध के बारे में, फिर क्या क्या मांगे थे उसको देखेंगे, क्या परिणाम हुआ उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जन आंदोलन के सबक क्या क्या है उसके बाद जो है आपका चैप्टर फिर थोड़ी देर के बाद जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, आपको कम से कम 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, सरदार सरोवर परियोजना के तहत, सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। और बहुउद्देशीय की मतलब मैंने आपको बताया, एक प्रकार का सिंचाई हो जाएगा, एक प्रकार का यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या हो जाएगा, एक ऊर्जा हो गया, सिंचाई हो गया और एक पर्यटन हो गया और एक स्थलों की सुविधाएं। तो ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन, ठीक है, इन दोनों तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। बांध बनाने के समर्थकों का कहना है कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ साथ तीन पड़ोसी राज्यों में पीने को पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराएगी। ये किसका है जो कि बांध का समर्थन करते हैं, वो इस बात को बोलते हैं कि गुजरात को तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ तीन राज्य को जो है पानी हो गया, सिंचाई हो गया और एक बिजली के उत्पादन में जो है सुविधा मुहैया कराएगी, ठीक है। और कृषि उपज में वृद्धि होगा और बाढ़ सूखे की आपदाओं पर रोक लगेगा। और जो कृषि की उपज है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, और जो बाढ़ होती है कभी सूखे होती है उन दोनों पर क्या लगेगा, एक प्रकार का रोक लगेगा। अब विरोध किस चीज का होता है देखेंगे। ग्रामीण लोगों का कहना है कि इस बांध के निर्माण से करीब 245 गांव जो है डूब के क्षेत्र में आएगा। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इस बांध के निर्माण से टोटल 245 गांव जो है वो क्या आएगा, डूब के क्षेत्र में आएगा और लगभग 2.5 लाख लोगों का जो लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, यानी कि बेघर होना होगा, कितने 2.5 लाख।
और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यह मुद्दा उठाया। इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988 से लेकर के 89 के दौरान मिली, जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। तो चीजें आपको समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई कि लगभग 2.5 लाख लोगों को जो है बेघर होना पड़ा था। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यह मुद्दा उठाया था और इन गतिविधियों की आंदोलन शक्ल जो है, यानी कि आंदोलन जो कब हुई थी, 1988 लेकर के 89 के बीच ये जो है चली थी। और जब कई संस्थाएं जो है स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। अब जो है क्या क्या मांगे थी इसको देखते हैं, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है आपका। सबसे पहला मांग क्या थी, यह आंदोलन में शुरू में यह मांग रही कि परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों का समुचित पुनर्वास किया जाए, यानी कि जो डायरेक्ट यानी कि इस पर जो प्रभावित हो जाते हैं, जो इस पर कोई खतरा मंडराएगा उस परियोजना से, जो उस पर क्या हो जाना चाहिए, एक प्रकार का समुचित पुनर्वास होना चाहिए, यानी कि उसको दूसरी जगह देना चाहिए, उसका पुनर्वास किया जाना चाहिए। ठीक है, यह परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, और यह परियोजनाओं की जो निर्णय प्रक्रिया, जो भी फैसला लिया जाता है इस परियोजना से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो इस पर जो फैसला है वो किसका, स्थानीय लोगों का भी भागीदारी जो है इसमें होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर वहां के लोगों का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। तो ये आपका तीन मांगे थी, तीनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब परिणाम क्या हुआ इसको देखते हैं। तो 2003 में सरकार और न्यायपालिका दोनों ही स्वीकार किया कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2003 में कब, 2003 में सरकार हो गया और एक न्यायपालिका हो गया, ये दोनों ही स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि लोगों को जो है पुनर्वास मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने को कहा और यह आदेश भी दिया कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट जो है ये काम को बढ़ाने के लिए आदेश भी दिया और लोगों के बारे में कहा कि इन लोगों को जो है पुनर्वास का सही ढंग से व्यवस्था किया जाए। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो लगभग 2 दशक तक चला था, लगभग कितने, 2 दशक तक नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। अब समझते हैं जन आंदोलन के सबक, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी आंदोलन होता है तो आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन कौन से यहाँ पर अधिकार है, यानी कि आपको क्या क्या अधिकार दी गई है। ठीक है, तो वही चीज आपका कि जन आंदोलन के क्या क्या सबक मिलता है, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इस चीज को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका, जन आंदोलन का इतिहास हम लोगों को लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो सबसे पहले जन आंदोलन का इतिहास क्या है, हम लोगों को जो है लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस आंदोलन से पता चलता है कि राजनीतिक दल की क्या कमी है और इसे कैसे दूर करना चाहिए। तो इस आंदोलन से ही पता चलता है कि राजनीतिक दल की जो है क्या कमी है और इसे कैसे दूर करना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, आंदोलन से समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल हुआ जो राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आंदोलन से समाज के उन नए वर्गों का सामाजिक आर्थिक समस्याओं का क्या हुआ, हल हुआ, जो कि राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे थे। चौथा पॉइंट है, यह आंदोलन में कोई भी वर्ग अपनी बात को रख सकता है, इस तरह से लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। तो यह आंदोलन में जो है कोई भी वर्ग जो है, कोई भी समूह, कोई भी जाति जो है अपनी बात को रख भी सकता है और इस तरीके से लोकतंत्र की जो है रक्षा भी की जा सकती है। तो ये चारों पॉइंट जो है आपके आंदोलन के सबक है, आगे भी है, इसको भी देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आंदोलन के समर्थक का कहना था कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्रवाई से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। तो ये आंदोलन के जो समर्थक थे उसका क्या कहना था कि हड़ताल हो गया, धरना हो गया, रैली हो गया, ये सभी कार्रवाई से क्या होगा, सरकार के जो कामकाज है, जो प्लानिंग है, उस पर क्या पड़ेगा, एक प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पांचवा पॉइंट आप देखेंगे तो जिन सामाजिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ता है या फिर पड़ सकता है, उन पर ना ये राजनीतिक दल और ना ही मीडिया ध्यान देता है, अंत में जन कार्रवाई का हिस्सा ही अपनाना पड़ता है, जन आंदोलन यही काम करता है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों पर, जिन सामाजिक समूह पर, जिन धर्म पर, या फिर बोल सकते हैं जो भी जाति पर, या फिर कोई भी समूह जैसे कि दलित समूह या किसी पर अन्याय या कुछ होता है, तो उसको जो है आंदोलन ही करना पड़ता है, क्योंकि मीडिया वगैरह कोई भी उसके पास नहीं आती है। बेसिकली इस पॉइंट का यही कहने का मतलब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 6, अगर कोई व्यक्ति या समूह किसी समस्या से पीड़ित है, यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई समूह है, कोई किसी प्रॉब्लम से जो है क्या है, पीड़ित है, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आंदोलन होने से वह धीरे धीरे एकजुट होता है और समान अपेक्षाओं के साथ एक जैसी मांग उठाता है। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सातवां पॉइंट है आपका, आंदोलन की वजह से लोग जो है अपने अधिकार के प्रति जागरूकता होते हैं और आंदोलन की वजह से ही जो है लोग अपने अधिकार के प्रति, उसको क्या क्या अधिकार है, इससे जो है एक प्रकार का जागरूकता होते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गई, जन आंदोलन के सबक। ठीक है, अब देखते हैं सूचना के अधिकार आंदोलन, उसमें मांग क्या थी, परिणाम क्या थी, उसके बाद जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग समझेंगे। देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन,
यह आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1990 में हुई थी। कब हुई थी ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन की शुरुआत यानी जो आपका सूचना के अधिकार आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1990 में हुई थी। इसका नेतृत्व जो है किसने किया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी कि MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने किया था। तो सूचना के अधिकार आंदोलन जो है वो कब हुआ था, इसकी जो शुरुआत 1990 में हुई थी, इसका जो नेतृत्व किसने किया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी कि MKSS ने किया था। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो अकल राहत सॉरी मांग क्या थी इसको देखेंगे तो अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान के एक पिछले इलाके भीम तहसील में सबसे पहले यह मांग उठाई थी। इन लोगों ने अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। तो इन लोगों का मांग क्या था कि जो आप जो है सैलरी दी है, जो भी चीज दी है, तो उन लोगों को ना एक प्रकार का भुगतान के लिए बिल जो होता है, एक प्रकार का भी समझ सकते हैं जेरोक्स जो होता है जो प्रिंट वगैरह में निकलता है अगर कोई बिल कहीं पे जमा करने गए तो। ठीक है, तो उस चीज का एक प्रकार का उपलब्ध कराना चाहिए यानी कि अपने वेतन और भुगतान की बिल की जो है उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। लोग का मानना था कि वहां होने वाले सारे काम जैसे स्कूल, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों तथा सामुदायिक केंद्रों के निर्माण में दी मजदूरी में भारी घपला हुआ है। पहले 1994 और उसके बाद 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रकाशन को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। ठीक है, अब देखते हैं परिणाम के बारे में। सरकार को आंदोलन के दबाव में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम क्या है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। तो सरकार को आंदोलन के दबाव में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, हम लोग किसका पॉइंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपका कहाँ पर का जी हाँ वो है सूचना के अधिकार आंदोलन। तो सूचना के अधिकार आंदोलन क्या हम लोगों ने समझा, फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या क्या मांग थी, फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं उसका परिणाम क्या क्या हुआ, फिर देखते हैं उद्देश्य के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप लोग समझिए। देखिए जी, परिणाम के बारे में भी नहीं समझे, परिणाम के बारे में समझते हैं। सरकार को आंदोलन के दबाव में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम से संशोधन करना पड़ा। ठीक, उसके बाद नए कानून के तहत, ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर सभी पॉइंट को देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। नए कानून के तहत जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च नीतियों और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना जरूरी कर दिया। 1996 में MKSS का जो आपको फुल फॉर्म याद रखना, मैंने अभी आपको लिखा है MKSS का फुल फॉर्म, क्योंकि दोस्तों आपको पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन, आपको इस तरह का क्वेश्चन को जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, एम से मजदूर, के से किसान, एस से शक्ति, एस से संगठन, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लोगों का मानना था कि वहां यहां पर आपका पॉइंट होगा, हाँ, 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम पर, क्या, सूचना की स्वतंत्रता नाम पर 2002 में, ठीक है, इस नाम का जो एक विधेयक पारित हुआ और यह कमजोर अधिनियम था और इसे अमल में नहीं लाया गया। ठीक है, तो इस सभी पॉइंट को जो आपको ध्यान में रखना है, 2002 में जो है सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक प्रसिद्ध विधेयक पारित हुआ लेकिन कमजोर अधिनियम था, इसे जो है अमल में नहीं लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर आप बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, 2004 में सूचना के विधेयक को सदन में रखा, फिर जून 2005 में विधेयक के राष्ट्रपति यानी कि विधेयक की जो राष्ट्रपति है मजदूर, उसने एक प्रकार का, जी हाँ, 2004 में सूचना के विधेयक को सदन में रखा और फिर 2005 में विधेयक के राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई। तो चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, बहुत खूब, बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 2004 में सूचना के जो विधेयक को है वो सदन में रखा, फिर जून 2005 में विधेयक की राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई। तो दोस्तों यही जो है आपका चैप्टर समाप्त होती है, लगभग इस चैप्टर को हम लोग पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो और आपका दो चैप्टर बच चुका है उसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। जो भी वीडियो को प्लीज लाइक नहीं किया, एक बार जम करके लाइक कर दीजिए, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग दोस्तों इसका लुत्फ उठा पाए, आनंद उठा पाए और एक प्रकार का बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत कम समय बचा है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।